Assalamualaikum, क्लास फोर हेयर आई एम योर मैथ टीचर. टेक योर बुक ऑफ मैथ न्यू काउंट डाउन एंड ओपन पेज नंबर 12. इन आवर प्रीवियस वीडियो वी लर्न अबाउट मल्टीप्लिकेशन. नो वी स्टडीड अबाउट डिवीजन. के डिवीजन क्या होती है. वी हैव ऑलरेडी डन डिवीजन ऑफ टू डिजिट नंबर बाय वन डिजिट डिवाइजर. अब कहते हैं कि हमने एक टू डिजिट वाले नंबर को क्या किया है कि एक वन डिजिट वाले डिवाइजर से डिवाइड करना हमने सीखा हुआ है. लेकिन उन्होंने क्या किया पहले एक दफ़ा, फिर उन्होंने यहाँ पे देखें जिस नंबर से हम डिवाइड होते हैं वो होता है डिवाइजर. ये अंदर वाला होता है डिवाइडेंड और ये ऊपर क्वेश्चन और रिमाइंडर. ये बार बार आपको करवा चुके हैं. अब देखें एट है. अब हमने एट को डिवाइड करना है 469 से. तो सबसे पहले हम देखेंगे वंस प्लेस पे क्या है फोर. अब एट और फोर को आपस में कंपेयर करेंगे. अब देखें तो जो एट है वो फोर से छोटा है, सॉरी फोर जो है वो एट से छोटा है, फोर से लेस है. अब यहाँ पे अगर कोई ऐसा नंबर होता जो एट के इक्वल होता या एट से बड़ा होता तो फिर हम ओनली वंस प्लेस पे जो ये नंबर पड़ा है यानी कि पहला नंबर उसी को यूज़ करते. तो अब ये नहीं हो रहा डिवाइड तो हम उसके साथ अगले नंबर को ऐड करेंगे यानी 46 पे. फिर हम चेक करेंगे कि 46 और 8 को कंपेयर करेंगे तो अब तो ये बड़ा हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये डिवाइड होगा. अगर फुली डिवाइड नहीं होता तो उससे कोई समाल वैल्यू होगी जिससे उसके करीब करीब हमने समाल वैल्यू देखनी है जिस पे 8 वाला टेबल जाएगा. तो अगर हम 8 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 40 आता है और 8 को 6 से करवाएं तो 48 आता है. अब 48 जो है वो 46 से बड़ा हो जाता है. हमने यहाँ पे जो नंबर लिखना होता है या तो इक्वल होता है या उससे समाल होता है थोड़ा सा. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 46 में से 40 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 69. अब हमने 8 वाला टेबल 69 पे लेके जाना है. या तो फुली 69 पे लेके जाएं या फिर उससे थोड़ी सी कम वैल्यू पे लेके जाएं. अगर हम देखें तो फुली डिवाइड नहीं होता तो 69 में 64 5. तो 5 हमारे पास क्या है, रिमाइंडर है, क्योंकि ऊपर ऐसा कोई नंबर नहीं बचा जिसको हम आप नीचे लेके आए. नेक्स्ट है वो कहते हैं डिवीजन ऑफ फोर डिजिट नंबर बाय टू डिजिट. अब हम किसी एक फोर डिजिट नंबर पे एक टू डिजिट वाला नंबर हमने डिवाइड करना है. वो कहते हैं फर्स्ट वी लुक एट 1000. सबसे पहले अब देखें वो कहते हैं 1000 प्लेस पे जो नंबर है उसको देखें. 1000 प्लेस पे क्या है, हमारे पास 6 है. क्या पड़ा है, 6, और बाय है 34. अब इनको आपस में कंपेयर करवाएं. देखें अब दोबारा 6 जो है वो क्या है, 34 जो है वो 6 से बड़ा है. सो वी पुट द 6000 टुगेदर विद द 900. अब वो कहते हैं कि 6 हम क्या करेंगे, 69 को हम क्या कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे. अब देखें अब हम कंपेयर करवाएंगे 69 और 34 को. तो 69 बड़ा हो जाता है, अब ये डिवाइड होगा. जब ये बड़ा होता है तभी डिवाइड होता है. तो 34 वाला टेबल 69 पे पूरा नहीं जाता लेकिन उससे कम पे जाता है. यानी कि 34 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 68 आता है. अब 69 में से 68 माइनस करें 1. अब देखें अब 1 हमारे पास, 1 तो बहुत ही छोटा नंबर है तो हम एक और ऊपर के जो नंबर पड़ा है उसको नीचे लेके आएंगे. यानी कि एक और नंबर क्या बन जाएगा, 11. अब 11 और 34 को कंपेयर करवाएं तो 11 छोटा हो जाता है. अब एक रूल ये है कि जब हम ऊपर से दो नंबर इकट्ठे नीचे लेके आते हैं. अब देखें यहाँ पे था 1, जब मैं 1 नीचे लेके आई तो ये बना 11. क्या बना, 11. फिर 11 34 से छोटा हो रहा तो फिर मुझे एक और नंबर नीचे आना पड़ा था, वो था 4. जब हम एक दो नंबर इकट्ठे नीचे लेके आते हैं तो ऊपर जो कोशेंट होता है वहाँ पे हमें क्या ऐड करना चाहिए, 0. तो अब देखें हमारे पास क्या हो गया, 114 और ऊपर क्या बन गया, 20, क्योंकि हमने 0 ऐड कर दिया. अब 114 पे डिवाइड करेंगे तो 34 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया, 102 आया और हमारे पास रिमाइंडर क्या बच गया, 12. ओके ये हो गया 12. अब नेक्स्ट हमारे पास आता है बच्चों पेज नंबर, हमारे पास कौन सा है, पेज नंबर 14 है और एक्सरसाइज हमारे पास कौन सी है, 1C. एक्सरसाइज 1C में हमारे पास क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है. अब देखें इन 3256 मल्टीप्लाइड, अब देखें ये हमारे पास इज कॉल्ड द डैश. अब वो कहते हैं इसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन. हमें पता है कि ये क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे. अब नहीं सॉरी बच्चों, ये जो थ्री, अब वो कहते हैं इसमें जो 324 है इसको क्या कहते हैं, 3256 को क्या कहते हैं. तो अगर हम पीछे जाएं, अब हमने कौन से पेज पे मल्टीप्लिकेशन पढ़ी थी, मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास ये देखें,
अब वो कहते हैं द मल्टीपल केंड इज़ द नंबर और क्वांटिटी टू बी मल्टीप्लाई, तो इसको क्या कहते हैं, ये जो ऊपर वाला नंबर होता है जिसको ऊपर रखा जाता है उसको कहते हैं मल्टीपल केंड, क्या कहते हैं मल्टीपल केंड, और जिससे हम मल्टीप्लाई करवा रहे होते हैं वो होते हैं मल्टीप्लायर। तो हमने क्या करना है नीचे यहाँ पर, अब देखें एक्सरसाइज 1C में हमने यहाँ पर क्या लिखना है मल्टीपल केंड। अब देखें बी वाला, देखें द क्वांटिटी बाई विच द मल्टीपल केंड इज टू बी मल्टीप्लाई, अब वो कहते हैं वो वाली क्वांटिटी जिसके साथ, सॉरी ये इधर से, अब क्या करना है वो वाली क्वांटिटी जिसके साथ, अब ये वाला मल्टीपल केंड था ये ऊपर लिखा जाएगा, अब वो नीचे जिसके साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो उसको मैंने अभी बताया कि उसको क्या कहते हैं मल्टीप्लायर, तो नीचे वाले में क्या आएगा बी पार्ट में मल्टीप्लायर। वो कहते हैं द नंबर विच डिवाइड्स आर डिवाइडेंड, वो कहते हैं कि वो नंबर जो डिवाइडेंड पर डिवाइड हो रहा था उसको क्या बोलते हैं डिवाइजर, तो सी वाले में क्या आएगा डिवाइजर। अब डी को हम क्या करेंगे इस पर डिवाइड करवाएंगे और इधर क्वेश्चन में जो आंसर आएगा वो इधर राइट करेंगे। ई में देखें इफ द डिवाइडेंड इज 384 एंड डिवाइजर इज 12 देन द रिमाइंडर, ये डिवाइड करवा के हम चेक करके यहाँ पे क्या कर देंगे रिमाइंडर लिख देंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 करेंगे, अब तक के लिए इतना काफ़ी है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।